गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप व फेसबुक से भी आगे निकला टिकटॉक नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने यूजर्स इंडेक्स में 37, फेसबुक ने 47 और टिकटॉक ने 166 स्कोर हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में कुल नेट यूजर्स में 41% महिलाएँ हैं। बोर्ड परीक्षा 18 से सेंटर पर स्टूडेंट्स को करेंगे सैनिटाइज। एक स्टूडेंट्स पर सैनिटाइज का खर्च आएगा 1 रुपया। PTET परीक्षा के आवेदन 20 तक कोटा। अगली खबर, कॉलेजों में एडमिशन कल से ऑनलाइन जमा होगी फीस कोटा। कॉलेजों की फीस ई मित्र पर 30 जून तक होगी जमा भरतपुर। MBC वर्ग को बैकलॉग प्रवेश से सभी भर्तियों में लाभान्वित कराने को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन डिग। कोरोना जैसे संकट के समय में आप ले सकते हैं ये 5 तरह के लोन। संपत्ति के बदले लोन यानी कि LAP, डिजिटल टॉप अप होम लोन, क्रेडिट कार्ड के बदले लोन और COVID-19 पर्सनल लोन गोल्ड लोन, ये है लोन्स। अगली खबर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए दूसरे भवन का चयन किया जाए। बालिका स्कूल को यथावत रखने की मांग। कलेक्टर के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन सुल्तानपुर। इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर SDM को ज्ञापन देते भाजपाई। रोजगार प्रशिक्षण के लिए आवेदन 19 तक जयपुर। गांधी स्कूलों के लिए साक्षात्कार कल से जोधपुर 13 जून। शिक्षा विभाग ने ब्लॉक स्तर पर नव स्थापित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए होने वाले वॉक इन इंटरव्यू कार्यक्रम में संशोधन किया है। ये साक्षात्कार 15 जून से शुरू होकर 19 जून तक चलेंगे जो जोधपुर शहर ये सब जगह है। और सांखला ने बताया कि 15 जून को वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, 16 को गणित व विज्ञान और 17 को सामाजिक विज्ञान, 18 को संस्कृत व अंग्रेजी और 19 को शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी का वरिष्ठ सहायक पद के लिए साक्षात्कार होगा। अगली खबर, कोरोना वायरस के बच्चों को स्कूल में दूसरे बच्चों से अलग बिठाने के आदेश का डॉक्टरों ने किया विरोध सिक्कर। विद्यार्थियों को लॉकडाउन और ग्रीष्मावकाश की अवधि का खाद्यान्न 25 जून तक बांटा जाएगा सिक्कर। 600 बालिकाएं होगी अध्ययन से वंचित। बालिका विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम नहीं करने की मांग। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन गोड़ा मलानी। नर्स ग्रेड द्वितीय पद पर 15 दिन में ज्वाइनिंग देने के निर्देश। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने से इनकार करने के मामले में जहां याचिकाकर्ता को 3 दिन में CMHO के नाम से प्रतिवेदन पेश करने तथा अप्रार्थी CMHO को 15 दिन में प्रतिवेदन पर विचार कर याचिकाकर्ता को ज्वाइनिंग दिए जाने के निर्देश जारी करते याचिका का निस्तारण कर दिया है। अगली खबर है, प्रोफेसर सहित कई पद रिक्त हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के मैन पदों का विवरण है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की संख्या 29, योग्यताएं हैं वो 55% अंकों से PhD, परास्नातक, BE, BTEC, BSc, BCA इत्यादि के साथ। आयु सीमा 21 से 47 वर्ष और अधिकतम है 30 से 55 वर्ष। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून और ये वेबसाइट है इसकी। अगली खबर, सीनियर रेजिडेंट व स्पेशलिस्ट बनने का अवसर कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC रोहिणी नई दिल्ली। पद का विवरण, पदों की संख्या 61, आयु सीमा 37 से 70 वर्ष और ये पात्रताएं, आवेदन शुल्क है, ये साक्षात्कार की तिथियां। बेरोजगार नेत्र सहायक संघ ने CM के नाम दिया ज्ञापन जोधपुर। पावर ग्रिड के पदों के लिए आवेदन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 125 अप्रेंटिस के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को पोस्टिंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड में होगी। ये पदों की संख्या, सेक्शन योग्यता, अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पूरी खबर पढ़ सकते हैं। अगली खबर है, बोर्ड की शेष रही परीक्षा 18 से होगी शुरू, पेपर आ जाएंगे। विशेष योग्य जन विद्यार्थियों को मिल सकती है छूट नागौर। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विभिन्न पदों के साक्षात्कार आज से, शिक्षा विभाग जोधपुर। पशुधन प्रसार अधिकारी सहित कई पद है खाली, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड UKSSSC। पदों का विवरण, पदों की संख्या और आयु सीमा, वेतनमान, पात्रताएं। अगली खबर, UGC से UGC के दिशा निर्देशों पर ऑनलाइन परीक्षाएं। जयपुर मानसरोवर स्थित IIS डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा ले रहा है। ये पोर्टल्ड परीक्षाएं 10 जून से शुरू हो गई है और 10 जुलाई तक चलेगी। इनमें इसके लिए यूनिवर्सिटी ने मेटल नाम के प्लेटफॉर्म की मदद ली है जिसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे फ़ोन या लैपटॉप के जरिए मल्टीपल चॉइस जवाबों सवालों के जवाब दे सकेंगे। बिजली विभाग में आवेदन का मौका, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। कुल पद है 353, आयु सीमा आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर।
छबड़ा, कोरोना काल का सबसे बड़ा प्रभाव विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ा। कोरोना संकट के दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा अवश्य एक जरूरत है। ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। छबड़ा। हाईकोर्ट ने होमगार्ड स्वयं सेवकों की अलग से स्क्रीनिंग के लिए दिए निर्देश। जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायाधीश संजीव शर्मा की बेंच ने राज्य सरकार के आदेश दिए हैं कि वह अपने 30 अक्टूबर 2019 के आदेश की पालना में 81 होमगार्ड स्वयं सेवकों की अलग से स्क्रीनिंग कराए। क्या ऑनलाइन शिक्षा लंबे समय के लिए सही है? तेजी से बदलते समय में शिक्षा हमारे जीवन में बड़े बदलाव कर रही है। वैश्विक होते समाज की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में शिक्षा हर कदम पर सहयोगी होती है। वर्तमान में जिस कठिन दौर से हमारा समाज गुजर रहा है उसमें तो शिक्षा का महत्व बहुत अधिक हो गया है। कोरोना के दौरान शिक्षा प्राप्त करना और देना दोनों ही चुनौती है। इसरो की साइबर स्पेस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन 24 जून तक। चित्तौड़गढ़। नीट पीजी सीट आवंटन। कल काउंसलिंग 16 से रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के बाद रिक्त सीटें राज्यों को सौंपी जाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का एक और मौका। कॉलेज के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र प्रमोट कॉलेजों में द्वितीय, तृतीय और स्नातकोत्तर फाइनल में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कल से। प्रथम वर्ष में शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। 3600 विद्यार्थी होंगे प्रमोट। गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का विरोध शुरू। बीकानेर। सोच समझ कर ले स्कूल खोलने का फैसला। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन इन दिनों देश में चल रहा है। चूंकि इस लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें दी गई है इसलिए इसे अनलॉक 1 का नाम भी दिया गया है। बाजार, मॉल और धार्मिक स्थल खुलने के बाद स्कूल कॉलेज खोलने की बात कही जाने लगी है। लॉकडाउन का सीधा असर शैक्षणिक संस्थानों पर भी पड़ रहा है। पंजाब की तर्ज पर राज्य में भी प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती हो। अजमेर। पंजाब में 158 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे देखते हुए अब राजस्थान में भी इन पदों पर सीधी भर्ती की मांग उठने लगी है। पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। इन पदों के लिए आवेदन भराए जा चुके हैं। प्रधानाध्यापक संघर्ष समिति ने धन्नालाल तलोड़ ने अब इसी तर्ज पर राज्य सरकार से भी आयोग के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती कराने की मांग की है। महात्मा गांधी स्कूलों में इंटरव्यू देने वालों की 2 दिन परीक्षा में नहीं लगेगी ड्यूटी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, जरूरत पड़ी तो शिक्षकों के इंटरव्यू की डेट भी बढ़ाई जाएगी। शिक्षक लगातार कर रहे थे तिथि में बदलाव की मांग। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में उर्दू विषय के पद स्वीकृत करने की मांग। सीएम की स्वीकृति के 1 साल बाद भी 456 शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं। सीकर। सीईटी प्रवेश के लिए अब तक 1.45 लाख आवेदन। अजमेर। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का एक और मौका। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन का एक और मौका दिया है। शिक्षा विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर अनिल जैल ने बताया कि बीएड सत्र 2020-22 में प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो लॉकडाउन की वजह से फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं उन्हें अंतिम मौका 15 जून से 27 जून तक पोर्टल को खोला जा रहा है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएस की परीक्षाएं अब 18 अगस्त से। अजमेर। और यहाँ पे ये वेबसाइट वगैरह लिखी है। आरबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम शुरू। बोर्ड की शेष परीक्षाओं का आयोजन 18 जून से। अजमेर। एमडीएसयू और 8 जुलाई से शुरू होगी शेष परीक्षाएं। अजमेर। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन से अधूरी रही परीक्षाओं को अब पूरा कराने की तैयारी कर ली गई है। तमाम जद्दोजहद के बाद एमडीएस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 8 जुलाई से यूजी की परीक्षा कराने की तैयारी की है। महात्मा गांधी स्कूलों के लिए शिक्षकों के साक्षात्कार। कल से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए कार्यक्रम। अजमेर। और ये बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी देने वाले भी शिक्षक भी दे सकेंगे साक्षात्कार। सेकंड ग्रेड के लिए अलग कार्यक्रम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जालौर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों के इंटरव्यू कल से पाली में। जालौर। ब्लू पॉटरी के जनक पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत की जीवनी पढ़ेंगे प्रदेश के लाखों विद्यार्थी। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया। 1974 में पद्मश्री से हुए थे सम्मानित। 1950 के करीब यह कला लुप्त होने के कगार पर थी तो मऊ गांव के शेखावत ने इसे पुनः जीवित कर दिया। चौंकना जरूरी है, सरकारी स्कूल में है 1260 स्टूडेंट्स पर 40 टीचर। कोटा यूनिवर्सिटी में सिर्फ 23 टीचिंग फैकल्टी। यूनिवर्सिटी में 2013 के बाद से भर्ती नहीं, 60 गेस्ट फैकल्टी के भरोसे है व्यवस्था। 3 साल से NIRF रैंकिंग से है बाहर कोटा। ये बराबर स्टूडेंट सुविधा स्कूल में ज़्यादा। भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा है रजिस्ट्रार। क्वारंटाइन विद्यार्थियों को अलग कक्ष में परीक्षा दिलवाएंगे और रहने की भी अलग व्यवस्था होगी। क्वारंटाइन छात्रों को परीक्षा केंद्र या बोर्ड कंट्रोल रूम में सूचना देनी होगी। सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे होगा। सिक्कर में रेड जोन में नहीं कोई केंद्र। इग्नू। जुलाई 2020 के लिए प्रवेश शुरू। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सहित विभिन्न कोर्स के लिए सूचना जारी। ग्रेजुएशन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स।
राजकीय कॉलेजों में प्रोविजनल प्रमोट करने की तैयारी, 30 जून तक फीस जमा होगी जयपुर। 9 जुलाई से होगी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा, स्नातक अंतिम वर्ष का टाइम टेबल जारी। बोर्ड परीक्षाओं के पेपरों का वितरण 15 जून को होगा भरतपुर। देश भर के शिक्षकों को ऑनलाइन देंगे प्रशिक्षण, CBSE के निदेशक ने संस्था प्रधानों को दिए निर्देश, श्रीगंगानगर। CBSE कल से शुरू करेगा वर्चुअल मास्टर क्लास सीरीज, यह रहेगा खास। इस प्रोग्राम में 2 सीनियर टीचर भागीदारी कर सकेंगे, प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लास अटेंड करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। अब शिक्षकों को बांटना होगा खाद्यान्न। बीकानेर मिड डे मील योजना के तहत शिक्षकों को 25 जून से पहले कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत स्टूडेंट्स के अभिभावकों को खाद्यान्न वितरण करना होगा। लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के मिड डे मील का गेहूं व चावल 2.90 लाख बच्चों को बांटा जाएगा। कक्षा 1 से 5वीं के 1.95 और कक्षा 6 से 8वीं के 94,000 बच्चे होंगे लाभान्वित। सिर्फ 13% स्कूली स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन पढ़ाई से संतुष्ट, शहर के 1,050 स्टूडेंट्स के बीच भास्कर ने करवाया सर्वे। 9 नंबर सिर्फ 4% और 8 नंबर 14% बच्चों ने दिए। पेरेंट्स ने भी अपनी राय दी, क्लास वाइज शामिल स्टूडेंट्स। तो ये थी दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट खबरें, और हम आपसे कल फिर मिलूंगी अन्य शैक्षिक समाचारों के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं फिर कल आपसे मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।